कुछ इस तरह की जो है ना शक्ल बन गई है। हम पेड़े बनाकर गए थे आटे के, तो इसकी बनाएंगे रोटी, ठीक है ना? चलो तुमसे ना हो पाएगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग वीडियो। उम्मीद करते हैं आप सब खैर खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे, मजे में होंगे। और अभी जो है ना आज मैं साल 2024 का पहला व्लॉग बना रहा हूँ। आज नए साल 2024 का पहला दिन है, यकम जनवरी, और ऊपर से मंडे भी है। साल 2023 बाय बाय, दिसंबर हुआ एंड। जैसा भी गुजरा, अच्छा गुजरा, बुरा गुजरा, क्या खोया क्या पाया, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मैं इस वक्त जो है ना मैं घर में अकेला हूँ, बाकी सब घर वाले कम्प्लीटली जो है ना वो गाँव चले गए हैं। और मेरा जो छोटा भाई है वो यूनिवर्सिटी चला गया क्योंकि उसके फाइनल एग्जाम चल रहे हैं। तो उसके बाद तो रात को मैं यहीं पर लेट गया था, सो गया था, मुझे नींद आ गई थी। तो मोबाइल जो है ना चार्जिंग पर लगाया हुआ था मैंने यहाँ पर। मैं आपको दिखाता हूँ मेरे साथ क्या सीन हुआ है, तो ये मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। इस तरह मैं जो है ना यहाँ पर सो गया था, मोबाइल चार्जिंग पर साथ लगा हुआ था। जब मैं 4 बजे उठा हूँ ना, तो ये वाला सीन था, ये वाला। मैंने मोबाइल चार्जिंग पे लगाया, चार्जर जो मुझे लगा हुआ है ये साल 2024 पहला दिन। और नमाज भी हमने पढ़ ली है फजर की, कि आप देख सकते हैं मुसल्ला, और साथ है हीटर हमने चलाया हुआ था क्योंकि सर्दी जो है ना काफी ज्यादा हो गई। लाइट्स वगैरह करते हैं ऑफ, तो चलते हैं किचन में। तो बाहर का ये वाला सीन है, ये आप चेक कर सकते हैं, सिंपल सी किचन है। जो मज़ा सादगी में है वो किसी चीज़ में नहीं है। तो सबसे पहले जो है ना आटा निकालते हैं, उसकी बनाते हैं, क्या बनाते हैं, उसको गूंथते हैं, उसके बाद बनाएंगे रोटी। तो देखते हैं आज की रोटी कैसी बनती है। इस व्लॉग का टाइटल ये होना चाहिए, वन डे विदाउट फैमिली, सर्वाइवल ऑफ वन डे विदाउट फैमिली। जी गाइस, तो हमने अभी जो है ना आटा निकाल लिया है, आप देख सकते हैं। तो तकरीबन इस व्लॉग के बाद मुझे घर वालों से बहुत मार पड़ने वाली है, और उसके बाद दोस्तों से मार पड़ेगी कि आपने ये हरकत क्यों की है। बहरहाल हम रिस्क लेंगे, अपने दिल की सुनेंगे, अपने दिल की मर्जी करेंगे, मिलाएंगे आटे में। तो फिलहाल जो है ना अभी हम रेंट वाले मकान पर रह रहे हैं, इंशाल्लाह बहुत जल्द अपना ले लेंगे। ये जो है ना मैं अभी जो किचन में खड़ा हूँ, बहुत छोटी सी किचन है, तो बड़ी मुश्किल से मैंने जो है ना कैमरा एडजस्ट किया। पता नहीं मैं कैमरे में आ रहा हूँ कि नहीं, तो बस कुछ इस तरह की जो है ना शक्ल बन गई है। पता नहीं क्या मतलब, मैंने जो है ना एक काम के लिए ठान लिया है ना, तो मैंने ये करके ही रहना है, बस ये मेरी जिद है। 5-10 मिनट की मेहनत के बाद हमने ये 3 रोटियों के पेड़े बना लिए हैं। तो ये ज्यादा हो गए, बनाना तो एक था लेकिन हमने जो है ना आटा ज्यादा निकाल दिया था। चलते हैं स्टोरी पर, आपको स्टोरी बताता हूँ कि मुझे घर वाले क्यों छोड़ के गए और मैं यहाँ पर क्यों अकेला हूँ घर में। सीन ये है कि मुसलसल 2 दिन मैं शादी पर रहा हूँ, साथ मेरे कजन थे तो साथ सर भी थे, मैं व्लॉग नहीं बना पाया क्योंकि साथ सर थे, तो इसलिए जो है मैंने थोड़ी सी झिझक थी, तो मैंने कहा व्लॉग नहीं बनना। पर बहुत एंजॉय किया शादी पर, बहुत जो है हमने एंजॉय किया, बहुत बड़ी शादी थी, तकरीबन 3-4 दिन से वो स्टार्ट थी। तो 2 दूल्हा की तरफ से हमें दावत थी, तो एक रात हमने वहीं पर स्टे किया। आज रात जो है ना मैं आया था यहाँ पर, तो रात को मैं लेट आया था, तो कल जो है ना मेरे घर वाले चले गए थे, तो इस वजह से मैं घर में अकेला हूँ। चूल्हा जी हमने रख दिया है, चूल्हा हमारा हो गया रेडी, इसको लगाते हैं ऑफ और इस पे रखते हैं तवा। तो आज सिर्फ हम रोटी बनाएंगे, देखते हैं कि रोटी हमसे बन पाती है कि नहीं, कैसी रोटी बनती है, तो ट्राई करते हैं। आग हमने जला दी है, तो आग पर हमने तवा भी रख दिया, तवा अभी हो रहा है गर्म। इसके ऊपर जो है ना जो हमने ये गूंद कर हम पेड़े बनाकर गए थे आटे के, तो इसकी बनाएंगे रोटी, ठीक है ना? चलो देखते हैं। ये है खुश्क आटा, इसमें हम करते हैं मिक्स। ये इसको रख देते हैं, दूसरा ट्राई करते हैं, ये वाला करेंगे गोल। इतनी देर तक जो है ना ये हमारा तवा तकरीबन गर्म हो गया। क्यों लाया यार, अगर होता ना वो जो है रोलर होता है वो हम हॉस्टल में बनाते थे, लेकिन उस वक्त जो है ना आसानी से बन जाती थी। नामुमकिन नजर आ रहा है, लेकिन हम ट्राई करते रहेंगे, अगर एक भी बन गई ना ठीक तरह तो। हाँ
हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा, तुमसे ना हो पाएगा। रोटी तो हम बनाएंगे ही बनाएंगे साहेब, चाहे हमें पूरा दिन ही लग जाए, लेकिन एक टेंशन है कि ये गैस ना चली जाए, तकरीबन 9 बजे चली जानी है। तो कहता हूँ इसको तवे पर रख कर ना ऊपर से रोल करते हैं इसको, इसकी मदद से। A few moments later. शायद आटा हमने ठीक तरह से नहीं गूंदा। ये बन रही है। चलो ये जिस तरह ही है ये ट्राई करते हैं, ये देखते हैं कुछ बन गया है, उम्मीद तो कोई नहीं। ये इस तरह बना है, ये तो किसी कुत्ते ने भी नहीं खानी। देखते हैं आखिरी है, शायद बन जाए। बिस्मिल्लाह। मुश्किल है कहाँ, सॉरी गाइस, आपका टाइम वेस्ट किया, नहीं बन पाया। तो इसका बेहतरीन हल यही कि बाहर से नाश्ता करते हैं या किसी दोस्त के यहाँ से करते हैं। बस हवा निकल गई। नए साल 2024 की पहली रोटी जो हमने बनाई है नाश्ते में, देख सकते हैं आप, देख सकते हैं ये तवे से कैसे धुआं निकल रहा है गरम गरम। तो ये रोटी इस पर बनाई है हमने, तो पेट में दर्द होना। एक किस्म का स्टोर रूम है यहाँ पर, जो है ना सारा किचन का जो सामान यहीं पर पड़ा होता है, लेकिन जो रोट खाना वगैरह बनता है वो थोड़ा सा हम बाहर रख कर बनाते हैं, तो किचन जो है ना थोड़ी सी कम है यहाँ। तो यहाँ पर सिर्फ ये है ना फ्रीजर ही है हमारी किचन में, बाकी ये सामान पड़ा है किचन वाला। तो बहरहाल नए साल का पहला दिन हमें नाश्ते के बगैर गुजारना पड़ेगा, तो नाश्ते के लिए हम कुछ इंतजाम कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो है ना फ्रीजर से ये अंडा निकाल लेते हैं, इसको बॉयल कर लेते हैं, इससे जो है ना काम चल जाएगा इससे। तो इसको हम बॉयल कर लेते हैं इससे पहले गैस चली जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।